हेलो एवरीवन, मैं अरुण सिंह। मैं आज से आप लोगों को हिस्ट्री में जो है पहला वीडियो दूंगा, और मेरा जो हिस्ट्री का पढ़ाने का जो तरीका रहेगा उसमें जो है मैं मॉडर्न इंडिया जो है पहले पढ़ाऊंगा। तो मॉडर्न इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे मॉडर्न की हम वो जानना चाहेंगे, भाई आधुनिकता है क्या। तो आधुनिकता उसको मानी जाती है कि जब साइंस, टेक्नोलॉजी और तमाम इन चीज़ों का यूज़ होने लगे, और धर्म को तर्क की कसौटी पे, विज्ञान की कसौटी पे हम जब कस के देखने लगते हैं, और जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ जाता है, वो हमें मॉडर्निटी की लक्षण दिखाई देती है एक मोटी मोटा तौर पे। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, और मॉडर्न की जब हम बात करते हैं तो भारत में अलग अलग विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई मॉडर्न तो 1707 के बाद कुछ का मत है, कुछ लोगों का मत है कि 1739 के बाद मॉडर्न पीरियड, कुछ बताते हैं कि भाई 1857। तो अलग अलग जो है विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन काफ़ी विद्वान इससे, और जो सर्वमान्य तथ्य है, वो कहते हैं कि जो यूरोपियों का आगमन हुआ वो जो है मॉडर्न इंडिया वहाँ से स्टार्ट होता है भारत के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि आप देखते हैं कि जब यूरोपी आते हैं तो भारत में टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिलरी के रूप में, तोपखाने के रूप में ही सही या बंदूक के रूप में ही सही, वो एक धीरे धीरे आने शुरू करती है, फैक्ट्री बनना और ये सब चीज़ें और व्यापार। तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये भारत में तो 1498 से पुर्तगालियों के आगमन से, और पुर्तगाली एक ऐसे जो है आक्रांता थे भारत के में आने वाले, जो कि मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले आए लेकिन गए सबसे लेट। ये 1498 में आते हैं और जाते हैं 1961 में, और वो भी जब इनको जबरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम गृह मंत्री उस समय थे, और जब उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, फिर गोवा से वो छोड़ के जाते हैं, लास्ट वो गोवा ही रहते हैं। और उसके पहले हम देखते हैं जैसे फ्रांस रहते हैं, तो फ्रांस वाले तो 1 अप्रैल 1954 को खुद ब खुद जो है अपनी बस्ती माहे, पांडिचेरी जिसको आप पुद्दुचेरी के नाम से जानते हैं, ये सब छोड़ के वो लोग भारत सरकार के लिए खुद चले जाते हैं भारत के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ अब मतलब है नहीं, क्योंकि इतने बड़े जो ब्रिटिश साम्राज्य था जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, और वो अस्त हो गया, फिर संयुक्त राष्ट्र की जो धाराएँ थी उसके कारण ऐसी ऐसी चीज़ें और जो नियम बना दिए गए थे उस लिए इनको छोड़ना ही था। और इंडोनेशिया में डचों का इतना बुरा हाल हुआ था कि 60,000 डच रातों रात मार दिए गए थे, एक क्रांति हो गई थी। तो औपनिवेशिक तौर पे रखना, कॉलोनी बना के रखना किसी देश को 20वीं शताब्दी में मुमकिन नहीं था। तो हम देखते हैं कि भाई पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ड्रेन, अंग्रेज भारत में आए क्यों। तो अगर हम देखते हैं कि भारत जो है हमेशा से कृषि प्रधान, व्यापार प्रधान पुराने समय में रहा था, और जैसा कि हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी वर्ल्ड में, यूरोपीय कंट्रियों में कि मांस वहाँ पे जो है उन लोग का मुख्य भोजन के रूप में रहता था। तो और ठंडी, जैसे ही ठंडी आती थी तो पशुओं को पहले ही मार के उनको जो है ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाता था, और फिर धीरे धीरे वो लोग उनको जो है निकाल के अपना मील बनाते थे। अब इसमें जैसे मसालों की बहुत अधिक उपयोगिता बहुत पहले से थी, और भारत हमेशा से मसाले, कपड़े, अनाज, इन सब के मामले में हमेशा से जो है रिच रहा है, समृद्ध रहा है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन के टाइम पे या मौर्यत्तर काल में भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में। बुलियन, आप एक बुलियन सब सुने होंगे पहले भी, और नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए, बुलियन वो धातु होती है जिससे कि सिक्के ढाले जाते हैं। अब बुलियन में वो सोना, चांदी, सीसा, जस्ता कुछ भी आ सकता है। तो मेनली उस टाइम पे तो सोना और चांदी ही मेन माने जाते थे। तो जैसे रोम हो गया, और रोम तो उस समय जो है एक कैपिटल था पूर्वी पश्चिमी यूरोप का, तो वहाँ से जो है यहाँ पे सोने, चांदी या बुलियन जो है आप कह सकते हैं वो आते ही थे और जाते नहीं थे। और जैसे फसलें जो भारत में हो गई वो तो हमेशा हर छः महीने पे तैयार होती ही जाती थी, और मेनली जो व्यापार था वो व्यापार था
तो आप मसालों का, ठीक है, स्पाइस, मसाले और सूती वस्त्र, अनाज, ये मेनली थे। तो जो स्पाइस स्टेट था, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली वो लोग स्पाइस स्टेट पे ही ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। और आप देखेंगे कि अब 14वीं सब ये तो पहले करते थे, तो फिर अचानक इनको फिर दोबारा क्यों आना पड़ा, बीच में ये कहाँ चले गए? हुआ यूँ कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो गया, कुस्तुनतुनिया जिसको कि जो आज टर्की में है, टर्की का एकदम उत्तरी भाग जिसको इस्तांबुल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम पे, तो ये जो है पूर्वी यूरोप का की राजधानी थी, पूर्वी यूरोप की, और पश्चिमी यूरोप की तो रोम वगैरह रोम थी उस टाइम तक की। तो अब यहाँ पे जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो जो एक रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया। जैसे हम देखते हैं कि जो रास्ता है दिस, ठीक, और अब ये भारत आपका हो गया। अब ये जो रास्ता है हमेशा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से, ये रास्ता था। अब इनके पास एक रेड सी के हिसाब बचा है, थोड़ा सा बचा था, फिर उसके बाद इनको रास्ता ढूंढना था। तो ये लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं और ये हमेशा से एक अवधारणा रही है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कुछ बोले नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, तो ये था। लेकिन फिर भी जो सर्वमान्य था कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने सोचा कि भाई तुर्क हमको यहाँ से रोकते हैं तो हमको दूसरी साइड से चक्कर लगा के जाना चाहिए भारत। तो भारत की खोज में, खोज के लिए और साम्राज्य के विस्तार के लिए वहाँ के जो पोप थे और वहाँ के राजा, उन्होंने आज्ञादेश जारी की। तो जो उस समय जो पोप था उसका नाम था निकोलस फिफ्थ, उसने जो है इसके लिए मंजूरी दे दी कि नहीं जा सकते हैं। जो नेविगेटर थे वहाँ के नाविक थे उनको प्रोत्साहन दिया गया जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि 1492 में एक स्पेनी व्यक्ति जिस जो 1492 में उसने अमेरिका की खोज की, अमेरिका पहले से ही था, खैर लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका की खोज की, मतलब मॉडर्न टाइम में उनके हिसाब से अमेरिका की खोज की। और फिर उसके बाद इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारत में जो है पेट्रो डी कोल्विन, वैसे तो वास्को डी गामा को मानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में आया था, लेकिन उसके पहले पेट्रो डी कोल्विन वो जो है भारत आता है, लेकिन आके मालाबार से वो चला जाता है और उसने कुछ ऐसा व्यापार वगैरह नहीं कर पाया, लेकिन वो पहले आया रहता। और उसको एक वहाँ के जो पुर्तगाल के राजा रहते जॉन, उन्होंने उसको भेजा था, और वास्को डी गामा को भेजा था इमैनुअल फर्स्ट, जो पुर्तगाल का सम्राट था उसने। अब जब 1498 में वास्को डी गामा भारत में आता है और यहाँ पे वो कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है, फिर वहाँ के जो राजा रहते जमोरिन, जमोरिन एक उपाधि होती है राजा की, ठीक है, तो जब वो जमोरिन से मिलता है तो जमोरिन उसे जो है उपहार में बहुत सारी चीज़ें देता है। और फिर यहाँ से जो व्यापार करता है उसको 60 गुना, अपने जब लिस्बन ही जाता है तो 60 गुना से अधिक इसको मुनाफे होते हैं। और इस मुनाफे, अब देखिए शेर के मुंह में खून लग गया आप कह सकते हैं, जब इतना अधिक मुनाफा हो गया तो भारत की तरफ उनको देखना था और ज़्यादा व्यापार बढ़ाना था और स्पाइस ट्रेड पे इनको कब्जा करना था, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे कल मेरा इंट्रो क्लास था, आज तो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है, अगर थोड़ी बहुत हो सकता है कि इसमें गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी नया हूँ, न्यू में हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कि जियोग्राफी से थोड़ा सा इसको हमें जियोग्राफिकल देखना पड़ेगा, जियोग्राफी के हिसाब से। तो जियोग्राफी से हिस्ट्री का एक संबंध जो है बहुत ही गहरा है, ठीक है। और जैसे देखते हैं कि भारत का ये रहा मैप, ठीक है, और ये है मलक्का, इंडोनेशिया, ये सब इलाके हैं, ये है श्रीलंका, ठीक है। तो जो पुर्तगाली थे उनका मलक्का में था, ठीक है, मलक्का से उनका स्पाइस ट्रेड। और ये उत्तरी श्रीलंका जो जाफना है, यहाँ से ये लोग दालचीनी प्राप्त करते थे। और जैसे और जो इटली था, रेड सी के हिसाब से ये लोग जो है जाते थे इटली, वेनिस, मिलान जो शहर थे वो लोग एक केंद्र थे, ठीक। अब वेनिस मिलान जब केंद्र थे
वहाँ के और रेड सी से इनको जाना था। तो देखिए इसमें आप देखेंगे जो भारत था, भारत था कनेक्टिंग पॉइंट, भारत कनेक्टिंग पॉइंट था, एक पड़ाव था किसका, मलक्का और यहाँ तक पहुँचने का, भारत से भी ये लोग जो है मिलते थे लेते थे, तो एक कनेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि जाफना और मलक्का से जो मसाले आते थे वो भारत आते थे, फिर यहाँ से होते हुए एक पड़ाव, फिर ये डायरेक्ट जो है यूरोपीय बाजारों में वेनिस, मिलान, इटली वहाँ पे जो है जाते थे। तो ये एक ट्रेंड था, तो इसको इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि स्पाइस ट्रेड के लिए मेनली जो है पुर्तगाली भारत में आए। अभी हम इसको थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी समझेंगे कि भाई ये आए तो फिर कैसे इन्होंने राजनीतिक सत्ता थोड़ी पाई, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता के रूप में अगर हम देखें तो ये जब वास्को डी गामा जब चला जाता है, फिर उसके बाद जो है आता है पेट्रो डी अल्बारिस, ठीक। तो पेट्रो डी अल्बारिस उसके बाद जब आता है, तो पेट्रो डी अल्बारिस वहाँ के राजा जो कालीकट का राजा था समोरिन, उससे बोलता है भाई स्पाइस ट्रेड पे आप किसी और को, अरबियों को या फिर जो इंडियंस हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, इस पे हमारा एकाधिकार चाहिए, हमें मोनोपोली की बात करता है राजा से। तो राजा इसके लिए जो है रजामंद नहीं होता है। जब राजा रजामंद नहीं होता है तो फिर इनके दोनों के बीच में जो है वॉर होती है, और जिसमें अभी मैं एक चीज़ ये बताऊंगा, देखिए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में जो यूरोपी थे वो आगे थे हमेशा से। अगर आप पहले भी देखें मध्यकाल मॉडर्न, तो भारत हमेशा जो है टेक्निकली इस टाइम में पीछे हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। और आज भी आप देखेंगे कि हमें इंडिया को जो हथियार है वो विदेशों से लाने पड़ते हैं और वो जो है सप्लाई करते हैं, और हम जो है मांग, तो उन उन वो लोग जो है उनके यहाँ उनके बाज़ारों में मसालों की मांग थी यहाँ की चीज़ों के, और यहाँ जो है इन सब चीज़ों की, तो इसमें पिछड़े हुए हम थे। और जैसे अभी जो उनका पेटेंट चीज़ होती है वो पेटेंट अपना देते नहीं है, और जो पुरानी चीज़ हो जाती है जो टेक्नोलॉजी उसी को देते हैं, तो कुछ तो वो लोग दे देते थे, उस समय पे भी वही था और आज भी वही है। तो टेक्नोलॉजी पिछड़ने के कारण ये लोग हार जाते हैं, समोरिन हार जाता है। और यहाँ से फिर 1501 में कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की, ठीक है, कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की बैठ जाती है। और अब कोचीन में इसकी जब कोचीन में पहली फैक्ट्री हुई, इसके बाद से जो पुर्तगाली बढ़ने लगते हैं पूरे भारत की तरफ, तो 1505 से लेके 1509 तक एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर रहता है, उसको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। तो इसने कार्टेज और आर्मीडा व्यवस्था अपनाई थी। तो कार्टेज व्यवस्था के तहत इसने क्या किया कि भाई एक लाइसेंस बना दिया, ठीक है, कि जो इस जो हिंद महासागर है इसमें वही लोग आ सकते हैं, एंट्री वही लोग कर सकते हैं, उन्हीं वही लोग व्यापार कर सकते हैं जिनके पास कार्टेज होगा। और आर्मेडा, आर्मेडा मतलब क्या होता है, जो नाव होती हैं जो इस उनके युद्धिक नाव हुए या फिर व्यापारिक हैं वो आर्मेडा, उसको वहाँ पर आर्मेडा बोला जाता है पुर्तगाली लैंग्वेज में। तो आर्मेडा व्यवस्था के तहत उसने इस पे बाहरी जलपोतों का आना निषिद्ध कर दिया एकदम से, और इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कार्टेज और ये व्यवस्था अपनाई गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर के समय में भी ये लोग सिर्फ अकबर को एक नाव और विद द कार्गो, मतलब पुर्तगालियों का कार्गो रहेगा और एक छोटी सी नाव ले जाने की अनुमति थी कहीं पे भी। और कार्गो मतलब क्या होता था, एक सैनिकों से युक्त एक जो है जलपोत जो कि निगरानी करती थी और चेक करते थे वो लोग कि कहीं कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जिस स्पेन की मोनोपोली और वो ले जा सके। तो सोचिए मतलब जो उस समय भारत का
शासक था, एक बड़ा शासक था, उसके लिए भी ये लोग कर चुके थे। और ये लोग मतलब जो आने वाली तूफान या परेशानी थी उसको ये लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि उस समय भारत को फ़ायदा ही था इनके ट्रेड से, व्यापार से मसाले की, क्योंकि वो जो शुरुआती व्यापार था पुर्तगाली, डच, ड्रेन, ड्रेन तो कुछ समय ही रहे हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, तो उससे वो भारत, वो व्यापार सदैव भारत के फेवर में गया। कब कब तक? जब तक 1757 में प्लासी का युद्ध नहीं हुआ, उसके बाद से भारत के लिए काली रात शुरू हो जाती है। और जैसा कि एक बहुत ही फेमस इतिहासकार है आधुनिक भारत के, सब्यसाची भट्टाचार्य, वो बताते हैं कि भाई ये तो जो है भारत में अंग्रेजों ने ऐसी लूट मचाई जैसे कि मछली के तेल में ही मछली को भुनना, वही भारत के साथ हुआ कि मतलब सारी चीज़ हमारी, सब कुछ, और हमी को जो है हमसे हमारा ही शोषण हो रहा है, हमारी चीज़ों से, हमारे संसाधनों से, और हमारे संसाधनों का दोहन हुआ, जिसके लिए तमाम आवाज़ें उठती रहती थी। और फिर उसके बाद वो तो खैर अभी हम आगे जब पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में तो उसके बारे में बात होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो एक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, इसने काफ़ी जो है काम किए थे इसके। फिर एक दूसरा होता है जिसको अल्बुकर्क, ये बहुत ही फेमस है। तो अल्बुकर्क को देखते हैं 1509 से लेके 1515 तक अल्बुकर्क पुर्तगाली पुर्तगाली जो है गवर्नर रहता है जो भारत में पुर्तगाल की तरफ से। अब ये अल्बुकर्क यही है, इसने 1510 में जो गोवा का गोवा को जो है सुल्तान अली आदिल शाह, जो बीजापुर का सुल्तान था, उसे हरा के गोवा पे अधिकार कर लेता है। और फिर इसके बाद गोवा जो है हमेशा के लिए पुर्तगालियों के पास रहती है, कब तक? 1961 तक, ठीक है। तो अल्बुकर्क को इस मामले में जाना जाता है, और ये इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है। और इसने जो है बकायदा कोचीन को जो है राजधानी बनाया, ये उसके पहले राजधानी जैसी चीज़ नहीं थी, एक एकाधिकार था, कोई कैपिटल या फिर जैसे मुख्यालय हेडक्वार्टर जैसी चीज़ नहीं थी। तो 1510 में गोवा भी इनके पास आ जाता है। फिर इसके बाद ये लोग जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, और अब इनको जो है गोवा, गोवा के बाद ये गुजरात की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हम देखते हैं 1529 से लेके 1538 तक, जिसका नाम रहता है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा इसने जो है अब गोवा को राजधानी बना ली, ठीक है, और कोचीन को राजधानी ये लोग छोड़ देते हैं। और इसका गुजरात राज्य के साथ, नीनो डी कुन्हा जब रहता है गवर्नर जनरल, तो गुजरात राज्य के साथ एक लंबा संघर्ष इनका चलता है। लंबे संघर्ष में अगर हम देखते हैं तो जो बहादुर शाह जो रहता है बाबर का, हुमायूं का समकालीन, उसके साथ इनका जो है संघर्ष रहता है। उस समय वो समकालीन था इनके नीनो डी कुन्हा का। अब होता क्या है कि बहादुर शाह लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सिविल के लिए क्लासेस हैं, नेट वालों के लिए भी क्लासेस हैं, तो और टोटली आप कह सकते हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए भी हैं, ठीक है, तो पूरा एक मिसेलिनियस क्लास चल रहा है। तो जो लोग हिस्ट्री में उतना नहीं जानते हैं सोचेंगे यार बहादुर शाह कैसे आ गया, बहादुर शाह तो 1857 में था, लेकिन ये वो बहादुर शाह नहीं, वो बहादुर शाह जफर था जो लास्ट मुगल इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बहादुर शाह, ये वो गुजरात का बहादुर शाह है, सुल्तान बहादुर शाह, ये सुल्तान था और वो बादशाह थे। और ये वही था जिसको बोलते हैं कि राजस्थान पे, चित्तौड़ पे इसने आक्रमण किया था, जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, ठीक है, रानी कर्णावती। और कर्णावती के बारे में जब हम बचपन से मतलब पढ़ते आए हैं कि भाई कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि जो है मेरी मदद की थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हुमायूं तो अपने लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा लापरवाह जो है, थोड़ा लापरवाह बादशाह था, या फिर बहादुर शाह उसको बोलता है कि भाई कोई अगर इस्लाम का व्यक्ति अटैक करे तो आपको जो है बीच में नहीं आना चाहिए, ये भी हो सकता है या जो भी हो है, लेकिन यही है कि माना जा सकता है कि हुमायूं ने लेट लतीफ़ी थोड़ी
की और वो पहुंचा नहीं, और वो तो ये वही बहादुर शाह था। तो होता क्या है कि बहादुर शाह और निनोड़ी कुन्हा दोनों में संघर्ष तो चलता रहता है। तो एक बार होता है एक संधि की स्थिति लगभग बन चुकी रहती है और निनोड़ी कुन्हा जो है बीमार होने का नाटक करता है कि मैं बीमार हूँ। तो एक जैसे हम देखते हैं इंडिया में एक प्रचलन रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सामने वालों को जाके देखना कि यार तबीयत किसी की ख़राब है तो देखते हैं हम कि तबीयत कैसी है, उसे मिलने आते, एक फॉर्मेलिटी फॉर्मल बिहेवियर है। अब इसलिए जो है जब बहादुर साहब जाता है वहाँ पे, अब बहादुर साहब जब जाता है तो वहाँ देखता है कि वो तो एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो जलपोत रहते हैं तो जलपोत पे ये जो है भेंट हुई रहती है। जब देखता है तो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने की बात ही थी कि मतलब मुझे वो हुआ। फिर उस बहस में झगड़े में जो है लड़ाई एक छोटी सी झड़प होती है जिसमें हार जाते हैं ये बहादुर शाह और इनको नदी में अरे समंदर में जो दरिया रहता है उसमें जो है फेंक दिया जाता है। और यहाँ से जो है पुर्तगाली फिर मोनोपोली इनका बढ़ने लगता है गुजरात राज्य पे। तो ये हम देखते हैं धीरे धीरे, और इनका जो पतन का धीरे धीरे स्टार्ट होता है वो होता है 1580 के बाद ये डचों से इनका जो है टक्कर होने लगता है। चाहे वो डचों से इनका टक्कर आपका मलक्का में, इंडिया में, हर जगह पे डचों से इनको एक कड़ा संघर्ष मिलता है। इस कड़े संघर्ष में हम देखते हैं कि इन्हें कड़े संघर्ष में डच हो गए, फिर अंग्रेजों से भी मिलता है, अंग्रेजों से 1612 और 1614 ये सब जो है विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ ये लोग जब आते हैं जो है सशस्त्र लड़ाई करते हैं और जगह इनको मिलती है। पहले तो ऐसे जब अंग्रेज आते थे भारत में तो ये लोग अंग्रेजों को निकाल देते थे किसी ना किसी रूप से, पूरे मोनोपोली इनका जो है, मतलब जो बादशाह का दरबार था वहाँ भी इनकी मोनोपोली थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ये मोनोपोली टूटती है इनकी और अंग्रेज आ जाते हैं, और अंग्रेज आप जानते हैं अजय थे इन सब के लिए तो ही, क्योंकि ये लोग तो हार ही जाते हैं बराबर। और फिर देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डच फ्रेंच ये लोग कब आए और इनका क्या भारत के लिए योगदान था। और योगदान के बारे में अगर देखेंगे तो हम पुर्तगालियों का भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आज जो है स्टार्ट हो चुका है मॉडर्न इंडिया यूरोपियों के आगमन से, ठीक है। और ये वीडियो आप जो है अधिक से अधिक लाइक और पोस्ट कीजिए, और जो गलती हुई है थोड़ी बहुत उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार लूँगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।